हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी रिक्वायरमेंट 2019 रेलवे एनटीपीसी 35,277 पदों पर जो भर्ती निकली है उसकी नोटिफिकेशन में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। 7 बदलाव हुए हैं, अभी देख लीजिएगा इस वीडियो के अंदर। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप रेलवे एनटीपीसी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा स्टडी प्लान है, वो आप सुन लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 800 या 900 रुपए में। 800 रुपए फीस है रेलवे एग्जाम्स की। अगर आप रेफरल कोड पेमेंट करते टाइम डाल देते हैं अमित जोगी 88 विदाउट स्पेस दिए, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका एक कोर्स है 800 वाला ही 720 रुपए में आपको पड़ेगा। आज ही सब्सक्राइब कर ले अन अकेडमी प्लस को, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसमें आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें अभिनय सर, अमन त्रिवेदी, पवन राव और बहुत सारे टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कट ऑफ, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो आप जो इसे आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये ऑफर जो है लिमिटेड है, बाद में बहुत महंगा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं वीडियो की, जो 7 नए बदलाव हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरआरबी रिक्वायरमेंट 2019 रेलवे एनटीपीसी 35,277 भर्ती नोटिफिकेशन में किए गए ये 7 बड़े बदलाव। और कमेंट कर करके जरूर बताइएगा ये 7 बदलाव जो हुए हैं आपको अच्छे लगे या नहीं लगे। पहला है फ्रेंड्स, अगर कोई परीक्षार्थी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवार के तौर पर फर्स्ट स्टेज सीबीटी क्वालिफाई करता है तो उसे अगले चरण में भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तौर पर ही शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने जो भी फॉर्म इन कैटेगरी से भरा है और फर्स्ट स्टेज के अंदर आप क्वालिफाई कर जाते तो सेकेंड स्टेज के अंदर आपको जो है जनरल कैटेगरी में नहीं जाना होगा, आपको जो है इसी के अंदर लड़ाई करनी होगी। सेकेंड है, ऐसे उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी गरीब लोगों के 10% आरक्षण या 10% सवर्ण आरक्षण के तहत आवेदन कर रहे हैं, उनमें सक्षम अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि पर दिखाना होगा। ये आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2017-18 का होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 है। पहले के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि एवं सर्टिफिकेट आवेदकों के पास होना जरूरी थी, क्योंकि इसकी डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन में मांगी गई थी। इसके बाद तीसरा जो फ्रेंड बदलाव हुआ है वो है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है। इसके लिए सक्षम अथॉरिटी की लिस्ट आरआरबी एनटीपीसी विज्ञापन के एनेक्सेट 3 में दी गई है। और फोर्थ बदलाव जो फ्रेंड्स, अगर कोई उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण पाने के नियमों पर खरा नहीं उतरता है तो इस कैटेगरी के तहत उसका आवेदन परीक्षा प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि अगर वह उम्मीदवार जनरल कैटेगरी आवेदकों की योग्यता को पूरा करता है तो उसे जनरल कैटेगरी का मान लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपने अगर कोई आरक्षण वाली सीट से फॉर्म भरा है और आरक्षण वाला आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं है, आपकी जो मांगा गया है वो पूरी तरह से नहीं आपके पास, तो आपको जो है जनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, रेलवे भर्ती बोर्ड ने सब्सक्राइब के लिए शर्त हटा दी है। पहले विज्ञापन में कहा गया था कि पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उम्मीदवारों को सब्सक्राइब की अकादमिक योग्यता पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों से एक स्टेप कम होनी चाहिए, लेकिन अब नोटिफिकेशन से यह शर्त हटा दी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वह नियम भी हटा दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक कोई जानकारी हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि जो आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई हो, दायर किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इस शर्त को भी हटा दिया गया है। और फ्रेंड्स, सेवंथ है, एमडी के मतलब को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जगह अब मल्टीपल डिसेबिलिटी पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसे लगे, आप इनसे खुश हैं या नहीं है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पल पल की खबरें हम आपको रेलवे की देते रहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।